है तो मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, किसी एक डायरेक्शन में मोशन होगा, समझ में आ रहा है। मोशन किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मोशन क्या है, 2D है, तो कैसे होगा मोशन, किसी भी दो डायरेक्शन में होगा। अब दो डायरेक्शन मोशन कैसे होता है, देखिए ये एक्स है आपका और ये आपका क्या है, वाई है। तो अगर मोशन में कह रहा हूँ कि इस तरीके से हुआ, इस प्लेन में हुआ, एक्स वाई प्लेन में हुआ, तो जब मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी देखो चेंज हो रहा है, ठीक है, और इसका देखो वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, समझ लो मेरी बात को। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वाई भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा, समझ लो। या मान लो वाई जेड प्लेन में करा रहे हो मोशन, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो जेड भी चेंज होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज, ओके। और मान लो एक्स जेड में अगर तुम मोशन कर रहे हो, एक्स जेड प्लेन में, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, समझ में आता है। फिर मैंने लास्ट स्टेप आपको क्या बताता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में मान लो मोशन है और वाई डायरेक्शन में मोशन है और जेड में भी है ना, जेड में भी है, समझ रहे हो। मान लो मोशन क्या हो रहा है, एयर में हो रहा है, कहीं एयर का बबल है ना, देखो ये स्फीयर है मान लो हवा में, इस तरीके से हवा में देख रहे हो, ये ऐसे नहीं है, प्लेन में नहीं है, ये हवा में है ऐसे। तो अब क्या होगा, इसका मान लो मोशन तुम स्टडी कर रहे हो, इसका मोशन अगर स्टडी कर रहे हो, ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी इनका चेंज होगा, या मान लो ऐसे मोशन करा रहे हो, समझ लो मेरी बात को। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होगा, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, 3D मोशन कहेंगे, 3D मोशन, समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको क्या दिमाग में रखना है, डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पर आ रहा है ना, तो डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, है ना। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, डिस्टेंस कैलकुलेशन आना चाहिए। डिस्टेंस कैलकुलेशन जब आपको आ जाएगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन भी कर लो, है कि नहीं है, बताओ मेरी बात, समझ लो आप मेरी बात। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस की बात सबसे पहले समझना पड़ेगा, डिस्टेंस की बात आपको समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है ना मेरे स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी होता है, होता है कि नहीं होता है बताइए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस का अगर मैं डायमेंशन पूछूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, M0 L T 0, बताइए पकड़ पा रहे हो आप मेरी बात को, पकड़ पा रहे हो मेरी बात को। और अगर मैं इसका SI यूनिट की बात करूंगा, SI यूनिट की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, मीटर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि पार्टिकल क्या हुआ ना, पार्टिकल क्या हुआ ना, पहले यहां से यहां तक गई, फिर उसके बाद यहां से यहां तक गई, फिर पार्टिकल यहां से यहां तक गई, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन क्लियर है आप सबका, मान लो ये पॉइंट ए है, ए से बी पर गया पहले पार्टिकल, फिर देखो सी पर गया, फिर डी पर गया। मान लो ए से बी तक जाने में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी जाने में 10 किलोमीटर नहीं, 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी से डी जाने मान लो 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा बताओ, ऐड कर दो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस प्लस सी डी का डिस्टेंस, तो ए से डी का जो डिस्टेंस है, ए से, सुनो, ए से डी का क्या है जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, वो ए बी होगा सिंपली, प्लस बी सी होगा, प्लस सी डी होगा, तो आंसर क्या होगा, 10 प्लस 11 प्लस 8, इसको ऐड कर लो, चेक कर लो, 29 के आसपास है, बताओ समझ में आया। अब उसी के बाद हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला चीज क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कोई टेंशन वाली बात है बताओ, कोई भी टेंशन लग रहा है तुम्हें बताओ, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, हाँ सर समझ में आ गई सर। दूसरा इसका डायमेंशन भी क्या होगा, M0 L T -1, बताओ ये बात भी समझ में आ गया। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया बताओ, तीसरा क्या होगा बताओ, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये क्या है, SI यूनिट, ये क्या है, SI यूनिट। अब सवाल है कि सर मुद्दे की बात बताइए सर, इसको करना कैसे है? देखो मान लो तुमने यहां से यहां तक गया पहले और फिर यहां से यहां तक गया, ठीक है, देखो सिंपल समझो, ठीक है। मैंने क्या कहा, मान लो तुम यहां से यहां तक जाने में 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करा और यहां से यहां तक आने में 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस तो तुम अब हवा में कैलकुलेट करोगे कि सर 7 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर होगा, नहीं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन पर जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस पॉइंट्स के बीच आप कैलकुलेट कर रहे हो, समझ लो मेरी बात को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, दिमाग में रखना मेरी बात को हमेशा हमेशा। नॉर्मल सम से अपन डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा,
मान लो ये ए है, तो ए से पहले बी पर आया, बी है, बी से फिर सी पर गया, मान लो ये सी बी सी। तो अब ये वेक्टर मान लो यहां से ए से सी तुम्हें चाहिए डिस्टेंस, ए से सी का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं बताओ। तो वेक्टर लॉ लगाओ यहां पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर ए बी प्लस सम ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, समझ में आया। अब फटाफट बना लो, ये क्या है, ए बी सी, ए बी वेक्टर है तुम्हारा, बी सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर मिल रहा है। तुमने कहा ए बी प्लस बी सी वेक्टर का सम इक्वल टू ए सी वेक्टर, तो समझ में आया। अब तुम इसको सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समझ लो मेरी बात को। एंड साथ में यही पर क्या लिखते हैं अपन, यहां पर प्लस के साथ इस पॉइंट पर अपन क्या लिखेंगे, टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कॉस थीटा, समझ लो मेरी बात को, ये इक्वेशन समझ में आया। जैसे तुमने इस इक्वेशन को लिखा तो जो तुम्हारा कैलकुलेशन वो क्या आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी कॉस थीटा, कितना है बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है बताओ, 90 डिग्री है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, कॉस 90 डिग्री, बताओ समझ में आया मेरी बात, आया समझ में। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो ये टर्म अभी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझ रहा है, समझ रहे हो। तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास कितना था, चेक करो क्वेश्चन में, 3 था क्या, 3 स्क्वायर, बी सी क्या था, 4, अगर चेंज होगा तो चेंज कर लेना, 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 9 प्लस 16 क्या हो गया तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये देखो कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर, समझ में आया। इस तरीके से आपको सोचना है, फिर आप क्वेश्चन को कर दोगे।